they are a big tournament team and they played like the same. Travis Head was the game changer, batting and fielding. Rohit Sharma ka wo catch. I think Virat Kohli thode unlucky the aur ye dono aaj touch mein lag rahe. We are sad, but it's okay. It's a game. मैच ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है. जेन्युइन रिएक्शंस जानने की कोशिश कर रही हूँ मैं फैन से कि इंडिया ने पूरे लीग मैचेस में डोमिनेट किया. नॉकआउट न्यूजीलैंड के अगेंस्ट जो सबसे मुश्किल माना जा रहा था वो जीता और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया. लगा नहीं था कि ऐसा मैच होगा. जरा भी नहीं लगा था कि ऐसे होने वाला है. हमने तो सोचा था कि इंडिया जीतेगा, लेकिन उनका बैटिंग से ही हमें लग रहा था कि कुछ आज ठीक नहीं चल रहा है. फिर से एनर्जी आई जब बैटर मैंने बॉलर्स आए फॉर द फर्स्ट थ्री ओवर्स, बट उसके बाद वो भी फिजल हो गया जब स्पिन बॉलर्स एक भी विकेट नहीं ले सके. वो भी ठीक बात कर रही है. हम सैन फ्रांसिस्को से आए हैं कैलिफोर्निया. थॉट 10 मैचेस जीत गया, अभी फाइनल भी जीत जाएंगे. बहुत डिसअपॉइंटेड है हम. बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट, बहुत ज़्यादा. बैंगलोर भी मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है यहाँ पर एंड सोचा था कि जीत के जाएंगे, बट डिसअपॉइंटमेंट तो है, डेफिनेटली है. लेकिन फिर भी 10 मैच जीत गए, ठीक है. चार साल के बाद फिर से जीतेंगे. अब अगले चार साल का इंतजार किया जाए. कैसे हो आप मुझे बताइए, अगले चार साल का इंतजार. अभी जरा लक सभी खत्म हो गए हैं, अभी आराम करो, घर जाकर सो जाओ. ट्रेविस हेड वाज द गेम चेंजर, बैटिंग एंड फील्डिंग. रोहित शर्मा का वो कैच, आई थिंक 100 में से 98 लोगों ने ड्रॉप किया होता एंड ही कॉट दैट. वहां से सब चालू हुआ. सो या टीम इंडिया खराब नहीं, एक मैचेस से उसको जज नहीं कर सकते. बाकी की जो मैचेस 80 अच्छी खेली, आगे भी अच्छी ही खेलेगी और जो चैंपियन है वो चैंपियन ही रहेगी. दूसरों के कहने से क्या ये चैंपियन नहीं है, खराब खेली इंडिया, खराब खेली, ऐसा है ही नहीं. यहाँ पे गेम जीता, जो अच्छा खेला वही जीता. आई थिंक द मिडल ओवर्स वेर रियली क्रूशियल फॉर अस, सो वी डिडंट स्कोर एनीथिंग एट ऑल इन द मिडल ओवर्स. Well, like back to back maidens and no boundary for 10 to 15 overs. I think that killed the game for us. We should have aggressive intent. Kaisa match tha? Kya hua? Tournament bahut acha tha. I have no regrets. India played very well. They are champions. They will be champions. We'll be supporting in 2024 in US. We'll be going for the 2020 World Cup definitely. We are sad, but it's okay. It's a game. Yeah, dil garden ho rakha hai. Garden ho raha hai. Maxwell, my favorite player. उसकी टीम जीत गई, बस इसी बात की खुशी है. बट मज़ा तो और आती है अगर मैक्सवेल शुरू से खेलता. मैम रोहित शर्मा ने बड़ा अच्छा खेला, बट ये था कि सिंपली बोलूँ तो इट्स अ गेम नॉट अ वॉर. तो डेफिनेटली एक बैड डे आता है, ठीक है. आज इंडिया के लिए बैड डे था और ओवरऑल टूर्नामेंट में हम देखें इतना ज़बरदस्त इंडिया खेली है. आज इंडिया का बैड लक था, हार्ड लक था. सो आई एम वेरी प्राउड ऑफ द इंडियन क्रिकेट फैंस बिकॉज इन स्पाइट ऑफ लूजिंग द बिगेस्ट मैच there is no violence, you can see there is no disturbance and people have accepted the defeat gracefully. I think Australians were very clinical and methodical. That is what, that planning was better than ours. And lastly, the luck was favoring them because they won the toss. Today's match, the toss played a very very big part. Australia ka aaj ka planning bahut accurate tha. I think Australia ko kahin bahar se bhi computerized system se jo help milti hai analysis ki, wo bahut mili hai. क्योंकि देर इज़ अ प्लेस इन इंग्लैंड को लफबरो यूनिवर्सिटी, देयर स्पोर्ट्स साइंस लैब प्रोवाइड्स दिस फीडबैक टू इंग्लिश प्लेयर्स एंड प्रोबेबली टू ऑस्ट्रेलियन व्हेन दे आर प्लेइंग अगेंस्ट इंडिया. मार्क माय वर्ड्स. ऑस्ट्रेलिया भी अपने दो पहले मैच हार चुकी थी, फिर लगातार वो 8 मैच जीतकर वो फाइनल में आई थी, तो वो भी डिजर्व करती थी कि वो फाइनल जीते. आज बस इतना ही लग रहा है कि हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं और वो बाजीगर ऑस्ट्रेलिया निकला. इंडिया बाजी मार सकता था क्योंकि 10 मैच कंटिन्यूस जीता, पर आखिरी में फेल हो गया. आई थिंक इट वॉज कम्प्लीटली गेम ऑफ चैंपियंस. वी मस्ट गिव क्रेडिट टू द इंडियंस दैट इन्होंने 10-11 मैच लगातार जीते. आई थिंक इट वॉज अ वेरी टफ डे. दे रियली आउटप्लेड अस. दे रियली फील्डिंग अगर आप उनकी देखोगे ऐसा लग रहा था जैसे 40-50 लोग एक साथ फील्डिंग कर रहे हैं. और दो टर्निंग पॉइंट्स थे. नंबर वन रोहित शर्मा का जो कैच था वो आउटस्टैंडिंग था. सेकेंड आई थिंक विराट कोहली थोड़े अनलक्की थे और ये दोनों आज टच में लग रहे थे. शायद उम्मीद से गए ही नहीं थे हम, ये सेकंड ऑप्शन लेके ही नहीं गए थे कि हारना भी है, जीत की ही सोच के गए थे. बट सर्टेनली अनएक्सपेक्टेड था. काफ़ी एनर्जी थी क्राउड में, सब में अच्छा एक्सपीरियंस था. सर्टेनली एक मोमेंट है जिसकी जिसपे सबकी उम्मीदें डिपेंडेंट थी. इस बार नहीं था, लास्ट टाइम भी नहीं था, पर कोई नहीं. हाँ एक्सपेक्टेशंस थी डेफिनेटली बिकॉज इंडिया ने बहुत डोमिनेट किया था अब तक एंड दैट वॉज डिफरेंट कम्पेयर टू अदर टूर्नामेंट्स.
तो वी वर डोमिनेटिंग वेरी सिमिलर टू हाउ ऑस्ट्रेलिया वाज डोमिनेटिंग एट अ टाइम, तो दैट्स व्हाई एक्सपेक्टेशंस और उम्मीदें बहुत ज़्यादा थी, बट इट डिडंट टर्न आउट. सो आई मीन इट्स वेरी शॉकिंग दैट वी लॉस्ट सो बैडली. मतलब जब हमने इतना इस लेवल पर डोमिनेट करे थे थ्रू आउट द एंटायर ग्रुप स्टेजेस, एंड बट हम 10 साल से ऐसे चुप करे आ रहे हैं. इस साल वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप भी हारे थे, लास्ट वी लॉस्ट द T20 वर्ल्ड कप एज वेल. आई थिंक कम द क्रूशल मोमेंट इंडिया जस्ट फॉरगेट्स हाउ टू प्ले फ्यूलेस ब्रांड ऑफ क्रिकेट विच दे प्ले थ्रू आउट द एंटायर ईयर, विच इज वेरी सरप्राइजिंग. या आई थिंक जितने चांसेस इंडिया के 2023 वर्ल्ड कप में थे जीतने के, बाई फार वी हैव बीन सीइंग वर्ल्ड कप सिंस 2003. कभी भी इतने स्ट्रॉन्ग चांसेस नहीं थे. क्यों? क्योंकि इतने सारे प्लेयर्स एक ही टीम के, अराउंड 9 to 10 प्लेयर्स कभी भी अपने पीक पे नहीं थे किसी भी वर्ल्ड कप में. दे वर लाइक कपल ऑफ प्लेयर्स इस तरीके से. और जिस कंसिस्टेंसी के साथ इंडिया बैटिंग, फील्डिंग और बॉलिंग में परफॉर्म कर रही थी पिछले 10 मैचों में, तो कोई कह ही नहीं सकता था. उसी एक हिस्ट्री को दोबारा लिखते हुए हम लोग देखने के लिए यहाँ पर आए थे, स्पेशली ब्लैक में टिकट्स लेके, फ्लाइट्स इतनी महंगी बुक करके, उसके बाद होटल स्टे इतने महंगे बुक करके. बट आई थिंक आज हम लोगों ने वो क्लिक नहीं कर पाए एज अ टीम यूनिट, और हम लोग वो प्रेशर हैंडल नहीं कर पाए इसी वजह से. और ऑस्ट्रेलिया ने कोई एक्सेप्शनल क्रिकेट नहीं खेला, दे जस्ट प्लेड देयर नॉर्मल गेम लाइक दे आर अ बिग टूर्नामेंट टीम एंड दे प्लेड लाइक द सेम.